हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूँ अर्पिता शर्मा, आप लोगों की एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीलिम्स 2023 की आंसर की डिस्कशन, स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री सब्जेक्ट। सबसे पहले हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, एंशंट, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ जो हिस्ट्री में इंक्लूडेड है। वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीलिम्स 2023 UPSC का। प्रीलिम्स का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से हिस्ट्री रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धन्यकटका विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंगिकास आर इज लोकेटेड। अब देखो, देर आर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2024 एज वेल। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 एंड इफ यू हैव अपियर्ड फॉर 2023 का एग्जाम ऑल्सो, देन लेट मी नो योर आंसर्स। फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में अपना आंसर मुझे बता दीजिए, जल्दी से, फटाफट से। जैसे ही आप मुझे आंसर बताएंगे उसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको इसका सोर्स बता देती हूँ कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने क्लास 11th की हिस्ट्री बुक पढ़ी होगी, टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, वहीं से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो NCERTs इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करें, क्वेश्चंस 98% ऑफ द टाइम आर कमिंग फ्रॉम द NCERTs। दैट इज वाई स्टडिंग, रिवाइजिंग, रीडिंग NCERTs इज इंपॉर्टेंट। लेट्स हैव अ लुक। देखो, धन्य कटका, वैसे तो गांधार, कालिंग, मगध, ऑल दीज थ्री आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बट द आंसर हेयर इज आंध्रा। ठीक है, वाई आंध्र प्रदेश इज द आंसर। देखो, ऑड वन आउट हो गया ना, कि हमको पता है गांधारा, कलिंग और मगध में तो वी विल हैव कन्फ्यूजन कि ऑल ऑफ दीज आर समवॉट रिलेटेड टू बुद्धिस्ट सेंटर्स, बट आंध्र प्रदेश इज रिलेटेड, इज नोन फॉर धान्य काटका विच इज ऑल्सो नोन एज धरणी कोटा। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज NCERT। ओके, सो धन्य कटका विच इज ऑल्सो नोन एज धरणी कोटा एक बहुत ही प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर माना जाता है। ठीक है, और ये आज के टाइम में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, अमरावती जो आपका आंध्र प्रदेश में था वहाँ पाया जाता है। इट बिलोंग्स टू द सतवाहना डायनेस्टी। अब देखो, यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज नेक्स्ट एग्जाम के लिए सतवाहना डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज द ऑप्शंस, ठीक है, द ऑप्शंस, UPSC यूजेस द ऑप्शंस टू फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बार ऐसा देखा गया है, नाउ पैटर्न हैज कम्प्लीटली चेंज्ड। अब जो पैटर्न चेंज हुआ है हमें ऑप्शंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो धन्य कटका गेन्ड प्रोमिनेंस एज अ बुद्धिस्ट सेंटर ड्यूरिंग द रूल ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, बिकॉज वी नो सतवाहना डायनेस्टी यूज टू प्रमोट बुद्धिज्म, सो दैट ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना है आज आपको? सतवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये टॉपिक मैंने अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में काफी बार डिस्कस किया है, अबाउट द स्तूपा। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपका वेरी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इजीली प्लस 2 मार्क्स आप इसमें ला सकते हो, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं स्तूपा के ऊपर। फर्स्ट इज सेइंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। सेकेंड, स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ रेलिक्स। देन स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। देखो, वी नो दैट इन बुद्धिज्म वी have studied about Sanchi Stupa. So many students would get confused and they would say ki yes, first statement is correct. But in reality, it is not correct. Stupa word jo hai, wo aapka aata hai Hinduism se. ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, बुद्धिज्म से नहीं आता। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज स्तूपा बेसिकली इज अ रिपोजिटरी। आप देखोगे इस तरीके का एक अंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे बुद्धिस्ट रेलिक्स या होली एशेस स्टोर करके रखे जाते हैं, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसको काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर हेयर वुड बी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ लुक एट द टाइप ऑफ ऑप्शंस UPSC हैज बीन गिविंग अस। पिछले साल से हमें हिंट मिल गया था कि पैटर्न चेंज होने वाला है, तो हम प्रिपेयर ऑलरेडी हो गए थे कि इस तरीके के ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। ओनली वन, ओनली टू, डायरेक्ट दे विल नॉट आस्क विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दे विल आस्क यू टू गैस, दे विल आस्क यू टू एनालिटिकली गैस कि कौन से कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हो सकते हैं। ठीक है, अब समझ आया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? दे विल यूज योर एनालिटिकल स्किल्स। आप देखोगे क्वेश्चन में एनालिटिकल स्किल्स यूज हो रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन? अगेन NCERT क्लास 11th 12th। सो हियर स्तूपा वर्ड इज अ संस्कृत वर्ड, इट मीन्स अ हीप, एक तरीके का माउंट,
हीप अंडा, ठीक है, एंड रेलिक्स ऑफ बुद्धा लाइक हिज बॉडीली रिमेन्स एशेज और ऑब्जेक्ट्स विच वर यूज्ड बाय हिम वर स्टोर्ड अंडर द स्तूपा. इसीलिए स्तूपा को बहुत ही होली सेक्रेट प्लेस माना जाता था. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? जिन बच्चों ने मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लास अटेंड की होगी उनको ये स्टेट क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगा होगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी ये जो पोम्पुहर साइट है ये न्यूज़ में थी. तो अगर आपने 2022 के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं तो अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इवन इफ यू डोंट नो अबाउट कोरकाई एंड मुचिरी स्टिल यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. तो इधर करेक्ट आंसर है आपका पोर्ट्स. तो ये आपका करंट अफेयर्स में था साइट, आप देखोगे इधर पोम्पुहर, ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर की साइट थी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कोरकाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टिनम और मुचिरी ये पोर्ट साइट्स है, ठीक है, ये पोर्ट साइट्स है, ये आपको पॉइंट याद रखना है. एंशंट पोर्ट साइट है जो मैरिटाइम ट्रेड के लिए काम आया करती थी. कौन सी रिवर यहाँ से होकर जाती है? कावेरी रिवर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कावेरी पट्टिनम. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन मैं कहूंगी कि येस इट वॉज लिटिल टफ, बट वट्टा किरुतल अगेन इट इज मैंशनड इन NCERTs. एंड इफ यू आर स्टडिंग तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स क्लास 11th 12th, जो कि मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ कि आपको उसमें से तैयारी करनी ही करनी है, अगेन आप इस टॉपिक को ईजिली मार्क कर सकते हैं, ठीक है. बट येस इफ यू हैव मिस्ड NCERTs देन इट वुड हैव बिकम वेरी टफ फॉर यू टू आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुतल एज मैंशनड इन द संगम पोएम्स? किंग्स इंप्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड्स, लर्नेड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स ड्राइविंग अवे द बर्ड्स एंड एनिमल्स, किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुइसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ? वट्टा किरुतल, करेक्ट आंसर इज डी. वट्टा किरुतल इज ऑल्सो नोन एज वडा किरुतल. इसका बेसिक मतलब क्या होता है? ये तमिल रिचुअल है जिसमें आप तब तक भूखे रहते हो जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए, और संगम एज में काफ़ी इस तरीके के रिचुअल सामने आते हैं. तमिल किंग्स अपने ऑनर, अपने प्रेस्टीज, अपनी मान सम्मान की रक्षा करने के लिए जब वो हार जाते थे किसी युद्ध में तो वो फास्ट करते थे, और तब तक फास्ट करते थे जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसला, गहादवला, काकटिया, यादवा. नाउ दे आर आस्किंग यू हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th century. अगेन अगर आप एंशियंट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री NCERT की टेक्स्ट बुक अगर आपने पढ़नी है देन दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ प्लस 2 marks ईजिली लाए जा सकते हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रिलिम्स 2023 बहुत ईजी था, बट मैं ये बोल रही हूँ कुछ क्वेश्चन सीरियसली बहुत ईजी थे जहाँ आप ईजिली 2 number जीत सकते थे बिकॉज वो डायरेक्टली NCERT से ही पूछे गए थे. सो हेयर करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव बिकॉज होयसला डायनेस्टी 10th से 14th century के बीच में इस्टेब्लिश की गई थी. ओके, गहादवला डायनेस्टी अगेन 11th से 12th century के बीच में इस्टेब्लिश की गई थी. काकटिया डायनेस्टी विच इज़ अ तेलुगु डायनेस्टी ये 12th से 14th century के बीच में इस्टेब्लिश की गई थी. वेन वी टॉक अबाउट यादवा डायनेस्टी विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिवना डायनेस्टी इसको mid 9th century में इस्टेब्लिश किया गया था. तो अगेन कोई भी इसमें से डायनेस्टी 8th century AD में इस्टेब्लिश नहीं की गई है, और ये सभी डायनेस्टीज आप NCERTs में पढ़ेंगे. तो ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन था आंसर करने के लिए अगर आपने NCERT कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज की है. यहाँ आपको सोर्स पता होना चाहिए कि NCERT बेसिक सोर्स निकल कर आ रहा है हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए. ओके, मतलब डायरेक्ट सोर्स. नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के, अगर आपने मेरा बैच अटेंड किया था तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते थे. ये अगेन मैं इजी क्वेश्चन में डालूंगी इसको, प्लस 2 marks इजीली यहाँ आ सकते हैं. सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स. अब ये जो स्टेटमेंट है ये किस रिलीजियस सेक्ट को आपको के बारे में हिंट देती है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म. देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ जाता है जैनिज्म, बिकॉज जैनिज्म में इफ़ यू हैव सीन जैन मंक्स इवन द रोड ऑन विच दे आर वॉकिंग दे वॉक बेयर फुट बिकॉज दे से कि इवन द रॉक्स, रनिंग वाटर, स्मॉल लिटिल इंसेक्ट्स, एवरी वन हैव लाइफ इनसाइड ऑफ देम. अगर आपने जैन मुनियों को देखा है तो वो सड़क पे भी कुछ ऐसे मुनि हैं जो चप्पल के बिना चलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हर एक चीज़ में, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जान सब में है. ठीक है, सोल्स इसका मतलब नहीं है कि सोल सिर्फ जानवर या प्लांट या आदमी में ही रहेगी. नहीं, पत्थरों में भी आत्मा है, पानी में भी आत्मा है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में भी आत्मा होती है.
करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिज्म. अगेन आप इसको इजीली मार्क कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टफ कहूँगी, ये क्वेश्चन मैं टफ की कैटेगरी में इसको डालूंगी. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल कम एक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी. करेक्ट आंसर यहाँ पर है देवराय वन. संगम डायनेस्टी के किंग थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर तुंगभद्रा रिवर के ऊपर एक बांध बांधा था, ठीक है. एंड ही वॉज डिफीटेड बाय बहमन सुल्तान फिरोज शाह वन. ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट अगर आप प्रिलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद रखिएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये अगेन मैं बोलूंगी कि ये टफ क्वेश्चन के लेवल में ये आता है, कैटेगरी में आता है. यहाँ पर आपको लिटरेरी वर्क दिया गया है और ऑथर का नाम दिया गया है. अब ये मैं टफ की कैटेगरी में डालूंगी. अगर आप इसको स्किप कर सकते हैं तो, अगर आपने स्किप किया है तो इट्स नॉट योर फॉल्ट. देवी चंद्र गुप्ता बिल्हाना, हमीरा महाकाव्य नाया चंद्र सूरी, मिलिंदा पन्हा नागार्जुना, नितिवाक या मृत्रा. हाँ, तो ये सोमदेव सूरी ने लिखा है. देखो, जब भी आपका लिटरेरी वर्क और ऑथर के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एक ही आएगा 2 मार्क्स का. और अगर आप स्किप करना चाहें आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज एट मोस्ट मतलब ज़्यादातर टाइम ये क्वेश्चंस टफ ही आते हैं, ठीक है. हर इजीली हर एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक्स नहीं मिलेंगे. तो लिटरेरी वर्क में से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है 2 नंबर का, ठीक है. तो यहाँ पढ़ लेते हैं, देवी चंद्र गुप्ता बिल्हाना, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिकॉज देवी चंद्र गुप्तन लिखा गया है विशाखा देव के द्वारा, ठीक है. गुप्ता किंग रामगुप्ता की लाइफ की स्टोरी है ये. हमीरा महाकाव्य जो है वो नाय चंद्र सूरी ने लिखा है जो कि एक जैन स्कॉलर थे, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है. मिलिंदा पन्हा ये नागार्जुना ने लिखा है, करेक्ट है. नागार्जुना को हम नागसेना भी बोलते हैं, ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, तो अगेन दिस इज करेक्ट. नाउ आपका आ जाता है नितिवाक या मृता, विच इज़ सोमदेव सूरी ने लिखा है. अगेन यहाँ पर अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी जैनिज्म से रिलेटेड किताब है. नागार्जुना के ऊपर 2022 में क्वेश्चन आया था, तो ईजिली अगर आपने 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपने हैं रिवाइज किए हैं पिछले 4-5 साल के, ईजिली आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड इस क्वेश्चन में तो यूज़ कर सकते थे. करेक्ट आंसर होगा ओनली 3. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आप इजीली इसको मार्क कर सकते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड दीव टू पोर्टुगीज. तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका आ जाता है सी, बहादुर शाह. बहादुर शाह ने ट्रीटी ऑफ बसैन लिखा था. ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आया है, तो स्पेक्ट्रम से दो क्वेश्चन यू नो मैं कहूँगी डायरेक्ट आए हैं, तो यहाँ पर 4 मार्क्स स्पेक्ट्रम से ईजी आप गेन कर सकते हैं. तो यहां पर बहादुर शाह ने क्या किया था, एक ट्रीटी ऑफ बसैन पोर्टुगीज के साथ साइन की थी, और उस ट्रीटी के थ्रू उन्होंने कहा था कि मैं दीव को आपको सरेंडर करता हूं. और दीव के आसपास भी कुछ एम्पायर्स थे, वसई करके कुछ आइलैंड्स थे जो आज मुंबई का पार्ट बन गए हैं, वो भी पोर्टुगीज को दे दिया गया था. आगे बढ़ते हैं, ये अगेन वेरी इजी क्वेश्चन में से आता है, यहां डायरेक्ट 2 मार्क्स आपको मिलेंगे. एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर इफ यू हैव स्टडीड, वहीं से ये आपका क्वेश्चन बना है. स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ी है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया है, तो मैं इसको इजी में मार्क करूंगी. अगर आपने इसको गलत मार्क किया इसका मतलब आपने ढंग से हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था. बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत हमें पता है कि कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो खत्म कर दी गई थी. इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 या सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी बोलते हैं, ठीक है. यहां तक पॉइंट समझ आ गया आपको. और आपको पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 11th एनसीईआरटी. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रे, एएच लॉन्गेस्ट, रॉबर्ट स्टिवल, जेम्स बगीज. देखो मुझे ना जेम्स बगीज याद है क्योंकि ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें एनसीईआरटी जब हमने पढ़ाई है जेम्स बगीज को बार बार हमने कोट
किया है. दिस आंसर वुड बी ए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस. तो जेम्स बर्गेस वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एंटिक्वरी इन 1872 एंड ही वॉज फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया. इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इसीलिए करेक्ट आंसर वुड बी ए. तो अगर आप बाकी ऑप्शंस के बारे में बाकी नामों को नहीं भी जानते, अगेन जेम्स बर्गेस को अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, रिवाइज किया है, आप इजीली इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये इजी क्वेश्चन में आता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, 11th एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, साइट बेसनगर वेल नोन फॉर शेवाइट केव श्राइन, शेवाइट मीन्स रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, भजा केव्स बुद्धिस्ट केव श्राइन, सित्तानावस्सल केव जैन केव श्राइन. तो आपसे पूछा गया है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड अप. देखो ये याद रखना है आपको, प्रिलिम्स में पैटर्न चेंज क्या हुआ है, क्वेश्चंस तो वैसे ही हैं जैसे पहले पूछे जाते थे, ठीक है, ऑप्शंस जो आपके पूछने का तरीका है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है, इसीलिए कंफ्यूज हो गए बच्चे, इसीलिए ये टफ बनाता है प्रिलिम्स 2023 को, क्योंकि जो ऑप्शंस है उसी से हम डायरेक्टली आंसर अपना निकाल पाते हैं, ठीक है. इंटेलिजेंट गैस, एलिमिनेशन मेथड, सब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. जब ऑप्शंस ही वेग हो जाएंगे तो आपका एलिमिनेशन मेथड तो यूज नहीं हो पाएगा ना. तो ऑप्शंस में से यूपीएससी ने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड निकाल के फेंक दिया, ऑप्शन ही ऐसे रख दिए हैं सामने कि एलिमिनेशन अब करके दिखाओ. आपको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से अब गैस करना है कि कितने पेयर्स सही होंगे, ठीक है. करेक्ट आंसर है बी. देखो बेसनगर की जब बात करते हैं, ये विदिशा मध्य प्रदेश में है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विदिशा, एक टाउन है जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. अब ये विष्णु भगवान से रिलेटेड है, तो ये आपका शैवाइट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू विष्णु, ठीक है, गॉड विष्णु. अब बात करते हैं भजा, बुद्धिस्ट केव श्राइन है, करेक्ट है, 22 इसमें रॉक कट केव्स हैं, हिनायान सेक्ट जो है बुद्धिज्म का उससे रिलेट करते ही ये केव्स. सित्तानावस्सल अगेन इट वाज इन करंट अफेयर्स लास्ट ईयर, तो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं अगेन आप इस क्वेश्चन को इजीली मार्क कर सकते हैं. तमिलनाडु में लोकेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है. तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट. ओके आगे बढ़ते हैं. देखिए ये क्वेश्चन आपका हर घर तिरंगा कैंपेन 2022 में था, ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, तो इसलिए ये इजी है, करंट अफेयर से ही उठाया गया है अगर आपने करंट अफेयर्स 2022 के ढंग से पढ़े थे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. आप देखो हर घर तिरंगा कैंपेन ये करंट अफेयर्स में से उठाया गया है. तिरंगा नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कैंपेन चला था, ठीक है, तो इसलिए नेशनल फ्लैग कोड के ऊपर क्वेश्चन आ गया. करेक्ट आंसर वुड बी डी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm to 400 mm विच इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये आपका गलत है. सेकेंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द हाइस्ट 3:2 है, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, ठीक है. इसका रेशियो याद रखना है 3:2 में रहा है इसका रेशियो. इंडियन फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो 1947 22 जुलाई को मीटिंग हुई थी तब हमने इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अगेन ये आ गया आपका नेशनल हैंडलूम डे, तो आपका करंट अफेयर्स से उठाया गया डायरेक्ट क्वेश्चन है 2021 के करंट अफेयर्स का. अब यहाँ पर टफनेस क्या है, टफनेस ये है कि हम लास्ट एक साल के करंट अफेयर्स ही पढ़ते हैं. अब क्वेश्चंस लास्ट दो ढाई तीन साल के करंट अफेयर्स में से लिए जा रहे हैं, ये पैटर्न आपका चेंज हुआ है, ठीक है, यही आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है. तो करेक्ट आंसर है ए, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही करेक्ट है और स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. 2020 के करंट अफेयर्स में भी ये न्यूज़ में था क्योंकि हमारा 6th नेशनल हैंडलूम डे हमने सेलिब्रेट किया था 7 अगस्त को कोविड पैंडेमिक के वेक में. ओके पहला नेशनल हैंडलूम डे 2015 चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया था और 7 अगस्त ही क्यों चुना, क्योंकि हमने स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त को लॉन्च किया था, ठीक है. बाल गंगाधर तिलक का ही फिलोसफी थी, आइडियोलॉजी थी स्वदेशी, ठीक है, अपने देश का स्वदेशी, और हैंडलूम सेक्टर हमारे कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है. ओके आगे बढ़ते हैं. अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं इसको इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगी. नाउ हियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे. कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को सेटअप इन्होंने सेटअप किया था ड्राफ्टिंग कमिटी को, किसके चेयरमैनशिप के अंडर, डॉक्टर बीआर अंबेडकर के चेयरमैनशिप के अंडर. तो करेक्ट आंसर है आपका स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है, स्टेटमेंट टू रॉन्ग है.
ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि ये न्यूज में क्यों था, फर्स्ट लेट इज अंडरस्टैंड 2021 में न्यूज में था, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ऑनलाइन कोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लॉन्च किया था. अगर आपने 2021 के करंट अफेयर्स थोड़े बहुत देखे थे, नजर मारी थी, आपको पता है कि इस तरीके का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो आप इजीली कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में जान सकते हैं. आपने जाना होगा कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, डी को आप हटा सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत नहीं है, करेक्ट है. ठीक है, अब नाउ नेशनल लॉ डे भी सेम डे पर ही मनाया जाता है. और हमको ये भी पता है कि इसी दिन 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था, ना कि ड्राफ्टिंग कमिटी को सेटअप किया था, अडॉप्ट किया गया था. दैट इज वाई स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. इसीलिए आपका स्टेटमेंट टू गलत हो जाता है. ठीक है, तो ये थे आपके आज के हिस्ट्री रिलेटेड सारे MCQs, PYQs, यानी कि जो हमने प्रिलिम्स के क्वेश्चन पेपर 2023 से निकाले हैं. प्लस इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं इन्हीं टॉपिक्स में से, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, आपका चार्टर एक्ट 1833. ओके, सो आई होप आपको समझ आई हो आज की क्लास, इंजॉय किया हो आपने. अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं MCQs. पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस तरीके के MCQs आपके लिए सॉल्व करना, हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एंड हैव अ वेरी ब्यूटिफुल डे अहेड. थैंक यू एवरीवन. कोई भी डाउट आता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं.